सब्सक्राइब करें अरिबा किचन को। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, शेयर करूँगी आपके सामने मिल्क शेक बादाम। तो इसके लिए मुझे किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, देखिए मैंने ओवरनाइट ये बादाम 15 से 20 करीब बादाम हैं, इन्हें फुला कर रखा था ओवरनाइट, तो ये अच्छे से फूल गए हैं। अब इनके छिलकों को मैं रिमूव कर लेती हूँ इस तरीके से। देखिए कितनी आसानी से रिमूव हो रहे हैं, तो सारे बादामों को मैं रिमूव कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सारे छिलकों को अच्छे से रिमूव कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसका एक फाइनली पेस्ट बना लूँगी। तो मैं एक ये चटनी वाला जार लेती हूँ और इसमें ऐड कर देती हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, उसके साथ पेस्ट बना लूँगी। तो देखिए इसमें मैं दूध डाल दूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। सो देखिए फ्रेंड, मैंने बादाम का पेस्ट बना लिया है और खूब अच्छे से ये बन भी गया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, लगभग हाफ़ केजी दूध लिया है और इसको मैं एक उबाल होने तक पकाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड, मेरा इसमें उबाल आ गया है, इसे मैं 1 मिनट पकाऊंगी। अब इसमें मैं क्या करूंगी, आधा आधा कप में इसमें पानी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि पानी इसमें डालना ज़रूरी है। पानी से ये होता है कि पानी जल जाता है और दूध दूध बच जाता है, वरना हमारा दूध ही सारा जल जाएगा वरना, इसलिए इसमें मैं आधा कप पानी ऐड कर देती हूँ। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट पकाऊँगी, इसी तरीके से चलाते रहना है इसे। सो फ्रेंड देखिए, हमारे 1 से 2 मिनट हमें इसे पका लिया है। अब इसमें हम ये जो हमने पेस्ट बनाया था बादाम का, वो उसमें ऐड कर देते हैं। सो फ्रेंड देखिए, मैंने ये पेस्ट डाल दिया था इसमें, तो इसके बाद पेस्ट डालने के बाद हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे। इसी तरीके से इसे चलाते रहना है ताकि वह इसे 5 मिनट अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, कस्टर्ड दूध में मिलाकर 2 चम्मच कस्टर्ड डालेंगे। तो देखिए ये मैंने दूध में 2 चम्मच कस्टर्ड मिला लिया है, इसे ऐड कर दूंगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी। तो ये ठंड के मौसम में बादाम मिल्क शेक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, प्रोटीन और क्लोरी से भरा हुआ होता है ये। तो देखिए इस तरीके से हमें चलाते ही रहना है। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 2 पिंच के करीब इलायची पाउडर, इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों अच्छे होते हैं। तो देखिए ठंड के मौसम में बहुत ही फायदेमंद है, आप इसे, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप इसे ज़रूर ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। अब इसमें मैं चीनी ऑप्शनली है, चीनी मैंने यहाँ ऐड नहीं की है, मैं इसमें ऐड करूँगी हनी यानी शहद। तो ये जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें शहद ऐड कर दूँगी। अब देखिए लगभग हमारा ये बनकर तैयार ही हो चुका है। इसमें अब मैं ऐड कर देती हूँ केसर के कुछ धागे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो ऐड कर सकती हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ मैं केसर की कुछ धागे ऐड कर देती हूँ, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनली है, अगर आपके पास हो तो डाल सकती हैं वरना नहीं डालें कोई बात नहीं है। तो देखिए बिल्कुल हमारा ये बनकर रेडी है, तो इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड हमारा ये मिल्क शेक जो हमने बनाया था वो बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसमें हम 2 चम्मच अब शहद ऐड कर देंगे। तो देखिए 2 चम्मच हम इसमें शहद मिलाएंगे अच्छे से, इसे हम मिलाकर इसे घोल लेंगे। अब कुछ इसमें हम ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे, तो ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल देते हैं। तो देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही टेस्टी है। हमारा बिल्कुल रेडी है बादाम मिल्क शेक बनकर। तो देखिए इसमें हम गार्निश कर देते हैं, चलिए इसे गार्निश कर देते हैं। बिल्कुल हमारी रेडी है बादाम शेक की रेसिपी, मिल्क बादाम शेक।
तो प्लीज़ आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।